नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज़। जसपुर में सियासी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है, जहां जिले के कप्तान के निर्देशों के बाद जसपुर कांग्रेसी विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीती 26 अगस्त को पैसे के लेन देन को लेकर विधायक आवास पर एक पक्ष के 3 लोगों को फैसले के लिए बुलाया गया था, जहाँ पीड़ित मदन का आरोप है कि विधायक ने गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली में तहरीर देकर विधायक और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। तो वहीं दूसरी ओर जसपुर विधायक आदेश चौहान ने भी दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने के मामले को लेकर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। और 27 अगस्त को विधायक ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में धरना भी दिया था, जिसमें विधायक ने जिले के कप्तान पर उनका गनर हटाने को लेकर अन्य गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कप्तान के आदेशों के बाद विधायक समेत 2 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज और अन्य 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं विधायक की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम लोग विधायक जी ने हमें बुलवाया था किसी पैसे के लेन देन के फैसले के लिए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे जाने से पहले हमारा भतीजा और हमारा भाई पहुँच चुके थे। हमारे भाई की उम्र लगभग 75 वर्ष है और एक भतीजा हमारा करीब 35 साल का है और मैं विकलांग आदमी 65 साल का हूँ। और वो कहते हैं कि ये डकैती करने आए थे, लेकिन हम तो फैसले के लिए इसने हमें बुलाया था, खुद बुलाया था अपने घर पे, और हमारे जाने पर हमें गलत दबाव देकर हमें गाली गलौज से बोला। जब हमने कहा विधायक जी आप मौजूद आदमी हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, अगर फैसला आप नहीं कर सकते हम घर कैसे चले जाओगे, पकड़ो इन्हें मारो और कहेंगे कि ये डकैती करने आए थे और इन्हें जेल में डलवाओ, मैं केस डलवाऊंगा डकैती का और मैं पुलिस को अभी बुलवा रहा हूँ। अगर हम डकैती करने गए तो हमारे पास कितने हथियार थे, मैं एक हाथ का आदमी था, 75 साल के हमारे भाई साहब, वो इनके ऊपर डकैती डाल सकते हैं। इनके पास गनमैन था तो उसने हमारे ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई। और ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो गनमैन है उसके ऊपर इन्होंने वर्दी फाड़ी। गनमैन ही कहते हुए कि मैंने वो वर्दी फाड़ी या नहीं फाड़ी, उससे हत्थापाई हुई या न हुई, ये सारा राजनीतिक इनका दबाव है और उसको उससे पैसे लेन देन की वजह से ही इसने हमसे झगड़ा करा और जिससे ये उसे पैसे से ना ले ना जाए। हमारा जो क्षेत्रीय विधायक के आवास पर वो पंचायत हो रही थी और उसके बाद उसमें ही कुछ मारपीट और गहमागहमी होने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया था। इसी के क्रम में इसमें मुकदमा कल पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। इसमें आयोग को निर्देशित किया जा रहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से फेयर कार्रवाई करेंगे और जो निर्दोष है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्या बताया जा तो यह तहरीर में नामजद कराया गया है।